जी ठीक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। आपका मेज़बान मलिक इरफान यूनुस आपके साथ एक दफ़ा फिर लाइव अपना टीवी नेटवर्क से आपके साथ हफ्ते बांटने और समेटने के लिए। और नाज़रीन, आज आपके लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लाए हैं। बेवल अन्य ताजरान सदारत के हवाले से आज मुग़ल फैमिली बारबेक्यू के मकाम पर एक बहुत बड़ी मीटिंग और अन्य ताजरान बेवल की सदारत के हवाले से एक बहुत बड़ी पेशरफ्त, उस हवाले से एक मीटिंग जारी है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप मीटिंग देखेंगे, सुनेंगे और यहाँ पर मौजूद जितने लोग बैठे हैं, जब आप उनके चेहरे देखेंगे तो यकीनन आप ज़ाती तौर पे इंतखाब कर लेंगे जो बेवल अन्य ताजरान के सदर होंगे। आपको दिखाते हैं और साथ साथ तारफ़ कराते जाते हैं। मुझे ज़रूरत तो नहीं है तारफ़ कराने की इन शख्सियात की, लेकिन फिर भी मैं साथ साथ नाम लेता जाऊँगा और आपकी इनसे गुफ्तगू भी कराता हूँ। जी बहुत शुक्रिया आपकी मतों का। जी इस वक्त आप देख सकते हैं माशाल्लाह, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मिर्ज़ा मुनीर अहमद साहब, वाइस चेयरमैन यूनियन कौंसिल बेवल हमारे पास मौजूद हैं। और आप सबको पता है कि माशाल्लाह बड़े शौक़ और ज़ोक के साथ लोगों ने इनके लिए पोस्टें भी लगाई हैं बेवल अन्य ताजरान की सदारत के हवाले से। चौधरी जुल्फ़कार साहब माशाल्लाह वो भी ज़ाती तौर पर मौजूद हैं। हाफिज़ इमरान मंजूर साहब वो भी, जिस तरह यूनियन कौंसिल में बात हो रही थी कि नामजद हो चुके हैं जी, वो भी इस हवाले से अन्य ताजरान की सदारत के हवाले से उनका नाम भी लिया जा रहा था वो भी। इसके बाद जनाब नुसरत इकबाल मुग़ल साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं माशाल्लाह, बहुत बड़ा एक नाम उनके हाल में बैठे हुए हैं यहाँ पर, मीटिंग भी माशाल्लाह उन्होंने अरेंज की है। उसके बाद आप देख सकते हैं अज़र भट्टी साहब, माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम, और वहाँ पे यूनियन कौंसिल पे भी आपने देखा, और जितने भी आगे कमेटियाँ बनी हैं बकौल उनके भी, और मुझे ज़ाती तौर भी पता है कि जितने भी आगे सदर बने हैं बेवल के, जितनी तंजीमें बनी हैं उन तमाम में भट्टी साहब की शमूलियत लाजमी रही है। बहुत शुक्रिया इनकी मतों का भी। साथ इनके जनाब राजा नईम साहब भी माशाल्लाह मौजूद हैं और साजिद मुग़ल साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया जी आपका भी। यहाँ पर सुहेल बशीर साहब माशाल्लाह वो भी ज़ाती तौर पर मौजूद हैं और इस मीटिंग का हिस्सा भी रहे हैं, और ज़ाती तौर पे उनकी मशावरत भी शामिल रही है। इसके बाद हमारे पास जनाब तज़र भाई मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया उनकी मतों का भी, वो भी ज़ाती तौर पर मुझे कह रहे थे यूनियन कौंसिल में जी मेरा नाम भी ना लिखा जाए सदारत के हवाले से, जी माशाल्लाह यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद यहाँ पर शेख फहीम साहब जी, शेख साहब आपका भी नाम काफ़ी फेसबुक पे चर्चा होता रहा है, जहाँ पे पोस्टें लगती थी कौन होना चाहिए, तो आपका नाम भी काफ़ी रहा है माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी मतों का। और यासर भाई जी, चौधरी यासर रशीद साहब जी माशाल्लाह, इनका तो बहुत ज़्यादा चर्चा रहा और इनकी वजह से वहाँ पर फैसला भी नहीं हो सका था, दोबारा ये मीटिंग रखी गई थी आज, माशाल्लाह शामिल और मुस्करा रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया आपकी मतों का जी। जनाब अक्रम वारसी साहब जी माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम, एक आप लोग जानते हैं मोहब्ते हैं इनकी, यहाँ पर मीटिंग का हिस्सा बने और माशाल्लाह इनकी मशावरत भी शामिल है, और मेरी भी बड़ी पसंद थी कि अगर इनका भी नाम आगे लाया जाता तो बहुत खुशी होती, कम से कम ये होता कि चोई साहब आपका मुकाबला बड़ा होता, अगर जनाब आजी अशरफ साहब आगे आते तो फिर बहुत मोहब्ते हैं इनकी भी जी माशाल्लाह मीटिंग में शामिल है, और इनका नाम काफ़ी चलता रहा है फेसबुक पे कि उनको सदारत के लिए आगे आना चाहिए। और हाफिज़ इमरान मंजूर साहब ऑलरेडी आपको पता है जी के बड़े जोश में थे उस दिन माशाल्लाह यूनियन कौंसिल में भी, और आज भी उनकी मोहब्ते हैं। और सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगा जी हमारे जो माशाल्लाह सीनियर हैं जी, हमारे यूसी के वाइस चेयरमैन जनाब मिर्ज़ा मुनीर साहब, उनसे बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, और अगर आप चाहते हैं जी तो पटवारी में भी गुफ्तगू आगे मजीद कर सकते हैं, कोई मसला परेशानी नहीं है जी। जी सही है जी, गल है जी लाका पटवार ना मफता पटवार नहीं आते, अख्तर इमाम रिजवी साहब आने होने से पटवार फुला नहीं धरती, तो उस हवाले मफता होना नहीं आवी। तो जनाब मिर्ज़ा मुनीर साहब साल मौजूद है, तो अज नहीं जी मीटिंग हुई मिर्ज़ा साहब, तुसा माशाल्लाह करता दरता हो इस मीटिंग ने,
जिस तरह के फेसबुक पर भी पढ़िया गया सा बकायदा एक तुसा ना बयान पटवार मीडिया परिवार सा अपना टीवी पर मौजूद सा कि जेड़ी मीटिंग होसी या जेड़ी मशावरत होसी जेड़ी कमेटी बनसी वह बकायदा तुसा ने अंडर होसी चौधरी जावेद कोसर साहब ने तुसा ने ड्यूटी लाई सी उस हवाले नाल अज तुसा एक मीटिंग की जेड़ी तुसा मीटिंग की सबसे पहले तो इसनी कोई जो तफसील दसो आवाम की औज़ बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया मोहतरम इरफान साहब अपना टीवी है जी अपना टीवी ने वसादत नाल जसा इतना तुसा लोगों ने सामने असा मौजूद हैं जी। तो सर बेवल ने तंजीम अंजमन ताजरा जी है उसना सदारत ने हवाले नाल कुछ थोड़ी जी मामलात से जो कल यूनियन कौंसल कल बाडी जी है इसनी मुकम्मल होनी सी एम पी ए साहब जे वे वह भी तशरीफ लै आए से सारे दोस्त आ गए से पर आ कि कल चूंकि होमवर्क नहीं सा होया वा अज असा फौरी तौर पर अजय पर असा दोस्तों की कट्ठिया किया दिहाड़ी बहुत बहुत सारे दोस्तों इसने उस तय जड़ा जी कम किया और अलहमदुल्ला अज नुसरत मुगल साहब ने रेस्टोरेंट पर नुसरत भाई ने सब तो पहले शुक्रगुजार हाँ कि मोहतरम तुसा इतना अरेंज भी किया और सारे की खाना भी खिलाया। तो मोहतरम ब्रेकिंग न्यूज़ जी है वह तुसा सारे भ्रां की इसना इंतजार उसी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि चौधरी जुल्फकार साहब ने आखी च मोहतरम हाफिज़ इमरान साहब यासर भट्टी साहब और जड़े ने जी कहना नुसरत मुगल साहब इन्होंने भी कल ना आया सा बर सारे ही दोस्त चौधरी जुल्फकार साहब ने आखी च दस्तबरदारी ने ऐलान किया और बड़े खूबसूरती नाल यह अज ना यह मुकम्मल होया सारा मामला जी। तो बस ये जी ब्रेकिंग न्यूज़ यह सी तो उस तो बाद जनाब शुक्रिया अदा करने लम्मी गल कर पोत लम्मी हो जा शार्ट गल है सारे दोस्तों का बहुत शुक्रिया अज जे इतने बैठे हुए खास तौर पर अज अशरफ साहब इन्होंने बहुत कोशिश आई और जे इतने दोस्त नहीं लाला मोहम्मद रसूल साहब कल ने परसू ने बहुत मुतरके वह भी साढ़े बेवल ने साढ़े जिसमत जान ने साए और उन्हें भी जनाब बहुत रोल अदा किया दिहाड़ी भी अज और अज की मीटिंग जी है इसकी कामयाब करने उन्होंने भी अज ना रोल अदा उन्हें किया। इसने सुलावा जनाब मोहतरम अजहर भट्टी साहब है नुसरत मुगल साहब है शुक्रिया डायरेक्ट अदा करने शेख फहीम साहब ना तजर इकबाल साहब अक्रम वारसी साहब और नईम राजा नईम भट्टी साहब और दूसरे साजिद मुगल साहब सुहेल बशीर साहब सारे दोस्त इतने मौजूद है बहुत मुस्बत रोल अदा किया सारे भ्रा और अलहमदुल्ला कल जावेद कौसर साहब माड़ी ड्यूटी लाई सी जी कि एक कम करना और अलहमदुल्ला बिल्कुल उसने सु नेक्स्ट डे अज असा एक कम कंप्लीट करी सटिया। तो सारे दोस्तों का बहुत शुक्रिया मैं इसकी हूँ चुके लम्मी गल नहीं करनी तो मैं सब तो पहले जड़ा जी मैं इस बाद मैक देसा चौधरी जुल्फकार साहब की जनाब चौधरी साहब सारे ने शुक्रिया अदा करो तो फिर गल अगे टुरे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे दोस्तों मैं आप साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पर गठे हुए और इस महफल की पाया तकमील जा पहुँचाया और ख़ास कार में इमरान ने और मेरे सामने कोई गलत फहमियाँ पैदा हुई सी उनसे भी मैं माजरत करता हूँ अगर कोई गिला जारी हुई थी और अशरफ भाई का नुसरत भाई का जिन्होंने ये महफल किरदार अदा किया उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और अंजमन ताजरा जितने भी आदमी हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आर के पास मैं ज़रूर जाऊँगा अच्छा उनके पास ज़रूर जाऊंगा और हर आदमी के पास अगर कोई गिला शिकवात उनसे भी मैं माजत करूंगा। जनाब बहुत शुक्रिया चौधरी साहब तो एक खास तौर पर गल एक करसा जी चौधरी साहब सारे ने शुक्रिया अदा किया जी तो खास तौर पर साढ़े ओपरा जड़े के सोशल मीडिया पर बैठे हुए तखने पे सुनने पे ना सिर्फ बेवल बल्कि बेवल तो बाहर पूरी दुनिया में साढ़े मेहरबान भरा और पिछले दो त्रे रोज़ों बेवल ना माहौल बहुत टेंस सा शुक्र अलहमदुल्ला के अज ने अज की बैठक जी है इसना ये तकमील इसना बड़ी खूबसूरती नाल होया तो मैं हूँ उस तो बाद जनाब हाफिज़ इमरान मंजूर साहब की जी चौधरी साहब गल जितने भी आदमी सुनने मैं उनसे अपील करता हूँ हाफिज़ इमरान के बारे में जो भी कोई नेट पर या वेबसाइट पर लिखेगा वो बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना।
जी बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। जनाब रिक्वेस्ट दोबारा यही है कि टेंस जड़ा हो ही चुका सा, कल टेंशन हो ही चुकी सी, इसकी टेंशन की फौरन रोकना। जिस तरह आज बड़ी खूबसूरती नाले कम होया, इस तरह असा इसकी अगे पाया तकमील तक पहुँचा, इस तय होया कि सदारत ना तो फैसला ही हो गया, पर जड़े बाकी अहदेदारान ने तंजीम ने उन्होंने फैसला इंशाल्लाह हफ्ते ने अंदर अंदर सा उसकी कंप्लीट कर सा। तो फिर जनाब शुक्रिया सारे दोस्तों अदा करने हैं। मोहतरम आफत इमरान मंजूर साहब जनाब। औज़ु बिल्लाहि मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले मैं अरफान मलिक साहब ना शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने कवरेज की वजह से अज ये पैगाम अवामे इलाका की मिलना पाया, और बिलखसूस जड़े लोग बेवल मारियाँ तरफने से फितने से बेवल मारियाँ और बेहतर सोचने से, उन्हें मारा एक गुड न्यूज़ है कि ये जड़ा मसला कल किसी गलत फहमी की वजह से आपस से डिस्टर्ब होया सा, और अज अलहमदुल्ला इन्ह दोस्त अबाब की मदद की वजह से अज पाए तकमील तक पहुँचा। सबसे पहले मलिक अरफान साहब ने शुक्रिया अदा, उस तो बाद मिर्जा मुनीर साहब ने शुक्रिया अदा करने, और बाकी जितने सारे दोस्त अबाब है इन्होंने नाम मिर्जा साहब गिनी चुके, तो मैं उन्होंने शुक्रिया अदा करना कि जिन्हें बेवल मारिया, बिलखसूस बेवल नहीं बेहतरी मारिया, अपने जितने मामला से उन्होंने सारे के साथ रफा दफा करी। तो चौधरी जुल्फकार साहब जड़े के माड़े चाचू है माड़े मोहतरम है, बस किस वजह से उसने आपस मामला थोड़े डिस्टर्ब हुए। मैं इन्होंने मलिक अरफान साहब ने तवसल नाल जड़े भी लोग बेवल ने खुशहाली विच बढ़ चढ़ के सा किसान इंशाल्लाह माड़ा साथ उन्होंने रहसी इंशाल्लाह। बाकी जड़े मामलात है इंशाल्लाह बाकायदा तौर पर बेवल यूनिवर्सिटी विच एक इजलास बुलाया जा सी, उत्थे सदारत ने और बाकी तंजीम ने जड़े मामलात है इंशाल्लाह वो अदा किए जा सन। तो तमाम समीने कराम नाजरीन कराम की गुड न्यूज़ जी, ओके अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम आफत इमरान साहब। तो इसने सुना हुआ कोई दोस्त गल कर सी हो, तो बहुत शुक्रिया जी सारे दोस्त गुफ्तगु एडी लंबी कर सा, तो सुनने वास्ते भी थोड़ी परेशानी बहस होना। तो जनाब सारे दोस्तों की एक बार फिर सारे ने शुक्रिया अदा जी। तो जनाब जी दोबारा रिक्वेस्ट है जी कि कोई दोस्त टेंशन वधाने वास्ते कोई इख्तलाफी पोस्ट ना चाड़े, कोई किसा किस्म ना हो, जितना मवाद कुछ चाड़िया वाला ही सटे। तो बड़े अच्छी अच्छी जैसे आज बड़े खूबसूरती नाले कम होया, इस तरह अच्छी अच्छी पोस्टा चाड़ो और प्यार मोहब्बत ने जड़िया ना गल्ला करो। बेवलिया कि असा तरक्की वाले रस्ते पर खड़ना, बहुत सारा कम आ जड़ा जा करना, बहुत सारा ज़्यादा कम होने की जरूरत ही है, और अलहमदुल्ला जिस तरह मैं महसूस करना पाया कि जिस तरह नहीं जड़ा ना इतने थोड़ी मुकाबले की सूरत आल जिसल हो तो अल्लाह फजल करना, अल्लाह ने तरफों उसने खैर होनी कि उस बेहतरी इशनी, और इंशाल्लाह बेवल ने ये जो मसायल नहीं कमी सिलसिले इंशाल्लाह बेहतरी हो सी। जी चौधरी साहब वजाद करी चुके, चौधरी जुल्फकार साहब दोबारा मैं इन्होंने तरफों वजाद करना जी कि चौधरी साहब ने लाना जी कि माड़ी माड़ा कोई हमदार दोस्त ऐसा नहीं होने लगा कि जड़ा कि माड़ी तरफों ऐसी कोई अपनी तरफों या माड़ी तरफों या किसी ने तरफों कोई या किसी ने दिलादारी कर सी उसने नाल चौधरी साहब ने कोई तलक नहीं। ठीक है जी सारे दोस्तों जड़े ये सारे के लाइव सुनने पे, जड़े लाइव नहीं सुनने उन्होंने की बाद ही सुन सन, सारे ने बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब दोबारा जनाब शुक्रिया अदा करने के बाद खुदा हाफिज़ जी बहुत शुक्रिया। तो जनाब उरफान यूनस साहब तुसाना जनाब फिर एक बार शुक्रिया जी, बहुत बहुत मेहरबानी यह गल करो जी। जी जी बहुत शुक्रिया तमाम दोस्त बाप के मफलू का जो साथ रहे हैं, जिन्होंने गुफ्तगू सुनी है। फैसला आपने देखा कि सदारत के वाले से तकरीबन फैसला हो गया, अभी यूनियन कौंसिल में बाकी तंजीम के वाले से बातचीत की जाएगी, और चौधरी जुल्फकार साहब की तरफ से और पूरी टीम की जानिब से बाकायदा ये ऐलान है कि कोई भी दोस्त बाप जो हमारे मुखालफ या हमारे अगेंस्ट कोई भी पोस्ट करेगा तो वो दुरुस्त नहीं मानी जाए, हमारा उससे कोई तल्लुक नहीं है। जी मजहर हुसैन साहब सदर प्रेस क्लब बेवल सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? ये इनका फैसला हो गया था कि आपस में सब की मशावरत हुई है, इकट्ठे हो गए तो अल्लाह ने किया तो बेहतर एक निकल आया, और माशाल्लाह बहुत मौत हैं सबकी, बहुत प्यार सबका जी।
तो दोस्त बाप मौजूद हैं, गुफ्तगु तो करेंगे। मलक ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आफ्ताब भाई कैसे हैं आप? सेहत कैसी है आपकी? सब खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम, हम सब खैरियत है। यासर भाई, जी साढ़े को इसलिए आओ ना यासर भाई। या माशाल्लाह यासर भाई मौजूद है जी, इन्हें भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक काम जी कि काफ़ी लोग दोस्त बाप भी आने पर कि यासर भाई जो है उम्मीदवार भी है तो हैं वैसे, लेकिन एक बहुत अच्छा फैसला यासर भाई तुसा ना कि जो तुसा मतलब मुतफिक हुई तो बेवल वास्ते एक अच्छा फैसला किया। तो वैसे कह सकने हो कि आवाम जो फैसला किया या तुसा अपना जाती जो फैसला किया इसने मुतमिन हो? जी जी बिल्कुल मुतमिन है जी। जितनी भी गलतफहमी हुई सी साढ़े दरम्यान चौधरी साहब ने दरम्यान वो असल में खुद आज मीटिंग रखी सी या चली, ठीक है जी। असं कोशिश की थी कि अल्लाह ताला ने हुक्म नाले बिल्कुल पाया तक मीटिंग पहुंचेगी। सही है, जबरदस्त हो गया, बेहतरीन। तुसा वैसे चलो ठीक है उम्मीदवार भी से हो तो क्या समझने के तुसा ने जहन में कोई आइडिया ऐसा जारी गल आइडिया कोई ऐसा बेवल इस दारे तो ना आखने से होना कि क्या तुसा चाहने से हो कि मजीद मशवरा भी जारी गला चोई साहब तुसा दसो ना कि तुसा इस तरह करो कैसा वैसे प्लान सा इस बारे में? अज ये त्रे चार साल हुए कि जी कोई बंदा इस कमे से तैयार कोई नहीं था, ठीक है जी। मैं संगियां दोस्तों मिगी आखिया जी कि कोई बंदा इस कमे से तैयार नहीं था, तुस अगर हिम्मत करो, ठीक है जी, असं तुम कम करने से तैयार है, ठीक है जी। मैं उन्होंने कहा जी अगर तुम सारे बंदे इस कमे माड़े पर एग्री हो तो मैं इस कम करने से तैयार हाँ कि बेवल शहर में कोई वाली वारस ही कोई नहीं, ठीक है जी। सुने समझ जितने मामला चलने पे, ठीक है जी, कोई बंदा सिर रखने से तैयार ही कोई नहीं, कोई नहीं अपनी मदद आपने तैयार। फिर इस वजह से मैं स्टैंड किया था, ठीक है जी। फिर ऐसे फिर मामला हो गए जिसकी वजह से मैं विदड्रा किया था, ठीक है जी। अज फिर उसने सामने सारे बंद ने मुशावरत ना असा चौधरी साहब की अपने असा उन्होंने आके दसबदार हो गए। माशाल्लाह जी, तो बहुत शुक्रिया यासर भाई, तुसाना में तुसान प्यार ना मापदाना में अल्लाह खुश रखे। तो असा दुआ करने के अल्लाह बेवल की तरक्की दे और मजीद अपर तो अपर खड़ा है। तो दोस्त बाब ना बहुत शुक्रिया जी। तो मैं दसना है तुसान की जनाब के बेवल की तंजीम ना मकसद यह है कि जिस तरह तुसा तकने हो असा न्यूज़ भी लाने रहे हैं, कितने डकैतियाँ, कितने रोले, कितने प्रोग्राम, कितने मामलात हुए। गल हो चो जवेद कौशल साहब ना याद है कि जिसल गल अच्छी जी के एम पी ए साहब को पूछो जी एम पी ए साहब के कर रहे जी एम पी ए साहब कुछ नहीं करने भाई हूँ ना कि सिदारत हुई जासी जिसल बेवल एक तंजीम बनी जासी बकायदा उसने भी एक तरीके कार काम किए जा सन इंशाल्लाह बहुत अच्छे काम हो सन अच्छे फैसले हो सन इंशाल्लाह। सारे संगियां दोस्तों ने मापा बहुत शुक्रिया। उम्मीद करना है तुसा कि ब्रेकिंग न्यूज़ चंगी भी लगी उसी और इस फैसले की भी तुसा एक्सेप्ट कर सो और मज़े ना मेरे हिसाब में भी फैसला आया। तो सारे जना वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्त बाप ने टैग करें, तुसा दोस्त बाप ने मापा बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखा है। मेज़बान मलिक इरफान यूनिवर्सिटी, दियो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।